हरा कांदा का पकोड़ी बनाने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे हरे कांदे को अच्छी तरह से काट कर धो लिया है। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, जीरा डालेंगे खड़ा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से लेना। मैंने इसमें हरा मिर्चा भी काटा है और लाल मिर्ची पाउडर भी थोड़ा ले रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार लेंगे, स्वाद अनुसार नमक। बेसन को डाल दिया है इसके अंदर। अब इसे मिक्स करेंगे हाथों से अच्छी तरह से। पानी इसके अंदर थोड़ा बहुत रहता ही है तो इसको पानी डालकर नहीं मलेंगे, वैसे ही हाथों से मलेंगे इसको। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब उसके अंदर पकौड़ी। होने तक अब इसे निकाल लेंगे। एक-एक करके इसे इस तरह से डालेंगे कढ़ाई के अंदर। दूसरी तरफ इसे फिर से पलट देंगे। दोनों तरफ अच्छी तरह से इसे गोल्डन होने तक पका लेंगे। स्लो आंच में इसे अच्छी तरह से पका लेंगे हम। और इसे निकाल देंगे, हो गया।
हरे कांदे की पत्ते की पकौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा लगता है और कुरकुरा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।